यहाँ से, मतलब इसके अंदर लोग बैठते हैं, पूरा 1500 रुपये की राइड है, 1 पर्सन, सिलेंडर लगा रखे हैं LPG, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो भाई अभी हम लोग जो है ना, मनाली वाला रास्ता ये है और रोहतांग वाला जो है ना वो यहाँ गया, मतलब यहाँ से मनाली से आप आते हो तो इस वाले रास्ते से आते हो, रोहतांग में जाते हो। बीच में जो व्यू मिलता है ना यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू मिलता है और कपल्स के लिए तो ना बहुत अच्छा होता है। देखो कपल शूट वहाँ हो रहा है मेरे, मतलब जो आप देख सकते हो ना वो कपल शूट हो रहा है, वो रेड कलर का जो ड्रेस पहन रखी है पूरी, वो कपल शूट है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर आप गाड़ी साइड में लगाते हो बहुत अच्छा व्यू आता है। पीछे मेरे देख सकते हो ना सारे माउंटेन आ जाते हैं ना स्नो वाले, और कोई स्नोफॉल नहीं हुआ अभी तो, दिसंबर चल रही है यार। मैं बार बार ये रिमाइंड करे जा रहा हूँ अपने, मतलब आप लोगों से यही कह जा रहा हूँ, क्योंकि भाई दिल से अफसोस तो मेरे को है, होना भी चाहिए, इतनी दूर आया और स्नोफॉल नहीं देखने को मिला तो क्या फ़ायदा मनाली आने के बाद। लेकिन भाई कह सकते हो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है ना, तो मौसम मतलब अच्छा है मनाली का, तो धूप होने के बाद भी ठंड लगती है ना, यहाँ की जो हवा में जो फील होती है ना बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन अगर स्नोफॉल होता तो भाई लगता होता कि ऐसे कपड़े पहना होता मैं, और भाई इतना अच्छा फील होता है, गाड़ी की वीडियो बनती है यार भी, मतलब कपल शूट वगैरह करते हो तो यहाँ से जो ना उस साइड से होता है ना, पीछे का पूरा व्यू आता है यहाँ पे, इतना चौड़ा रोड है, यहाँ से पूरी गाड़ी खड़ी कर लो, पूरी गाड़ी है यहाँ से, पूरी लाइन से लगा सकते हो आप। और यहाँ पे जो है ना हॉट बैलून भी उड़ता है, मतलब पीछे की साइड में वो शाम के टाइम में उड़ रहा था वहाँ, लेकिन यहाँ से जो व्यू आता है ना बहुत प्यारा व्यू आता है। तो सारा मतलब ये देखो, ये ड्रेस सूख रही है यहाँ पे, इतना चौड़ा सा रोड है, और ये अपना भाई फोटोग्राफी कर रहा है, देखो मेरे फोटो क्लिक कर रहा है। लेकिन मेरे को क्या ना, वीडियो बनाना हर बार वीडियो बनाना है, मेरे को फोटो क्लिक कराने में कुछ मतलब मज़ा ही नहीं आता। तो भाई देख लो अभी हम लोग ना आगे की तरफ जा रहे हैं, वैसे जा तो पीछे की साइड रहते, लेकिन ये बोला अभी हम रोहतांग की साइड फिर चलते। मैंने कहा चलो भाई टाइम ही टाइम है तुम्हारा, जहाँ इच्छा हो वहाँ लेके चलो। तो देख लो भाई मज़ा ही मज़ा आया यहाँ पर, तो क्या कहना चाहोगे, मज़ा आया यहाँ पर रुक कर? इनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, लेकिन मेरे को इतना कोई खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे जो लिटरली देखना था ना वो देखना था स्नोफॉल, और स्नोफॉल देखने को नहीं मिलता। और जितने भी जो लोग ना रील डाल रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे कि दिसंबर में स्नोफॉल हो चुका है, सब चुतिया पे कर रहे हैं भाई, कोई स्नोफॉल नहीं हुआ है। आज 21 दिसंबर हो गई है 2022, यहाँ पे देखो भाई धूप निकली है, प्लस का मेरे ख्याल से 10-1 के आसपास टेम्परेचर होगा, और स्नोफॉल होने के बाद माइनस में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी, अब दिल तो टूटा है भाई, स्नोफॉल हो गई है तो स्नोफॉल तो ही नहीं है। तो भाई अब ठीक है, चलो जैसा भी है इन्जॉय करो, ज़िंदगी का यही मकसद है भाई, अगर दिल कभी नहीं टूटना चाहिए। लेकिन वहाँ जो दिख रहा है ना, वहाँ का जो व्यू दिख रहा है GoPro में तो वाइड एंगल दिख रहा है, लेकिन सच बता रहा हूँ। चलो भाई आगे की तरफ लेके चलते हैं आपको। देख रहा तेरा भाई जब ना ब्लॉगर बन जाएगा ना, तो ये अभी जो साइन दिख रहा है होंडाई का, इंशाल्लाह मतलब ये बैंगलर का हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर मतलब लोगों ने सपोर्ट किया तुम्हारे भाई को, ठीक है, तो तुम्हारा भाई तुम्हें गाड़ी देगा बैंगलर, ठीक है, मतलब चलाने के लिए, हो सकता है ऑडी भी हो सकता है, थार भी हो, जब तुम्हारा भाई अपनी कमाई से ले लेगा। लेकिन चश्मा अच्छा लग रहा है, चश्मा दे दे। अबे साले तुमसे चश्मा साले छोड़ा नहीं जा रहा, ऑडी BMW दोगे लाए। तो अभी गुरु हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ हमको। पता नहीं, लो इन्हें ये ही नहीं पता कि हम जा कर रहे हैं। मनाली से निकले डायरेक्ट कुल्लू पहुंचे, कुल्लू से निकले डायरेक्ट हिमाचल पहुंचे, हिमाचल से निकले तो डायरेक्ट चंडीगढ़ पहुंचे। तो भाई जा कर रहे हैं हम, हमें को यही नहीं पता भाई, कोई प्लान ही नहीं है, अनस्क्रिप्टेड। सुबह उठो आज और रुकना है, सुबह उठो आज चेकआउट करना है, भाई क्या होता है, कोई तरीके होते हैं, जिंदगी ऐसे जी जाती है, तुम लोग बताओ यार। देखो मेरे भाई अभी तो बताए रिवर बह रही है यहाँ, और ये वापस जा रहा है कुल्लू की तरफ रोड, अभी हम पीछे मनाली जो है ना वो पीछे छोड़ के आए हैं, सामने सूरज दिखाई दे रहा है भाई, और इसको बस ये गाड़ी चलाते रहो, मेरे को ये गाइड करना पड़ेगा कि भाई हमें यहाँ रुकना है, वहाँ रुकना है। तो भाई को यही नहीं पता कि हम जा कर रहे हैं। तो अपने भाई ने यहाँ पे गाड़ी रोक ली, बोला यही प्लान है, पता क्या प्लान है, कह रहा है ये देखो यहाँ पे जो फोटोशूट कराएंगे, ये इस वाले ब्रिज पे कह रहा फोटोशूट कराएंगे, मतलब ठीक है, मतलब ये फ्लैग व्लैग लगा रखे हैं, मतलब ऐसा बोलना होता है ना कि देखो इस वाले ब्रिज पे कह रहा ना ये फोटोशूट कराना है यहाँ पर, और अच्छा काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ का, और देख लो भाई रिवर पे भी मतलब काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ राफ्टिंग मतलब जो है ना वो आगे की साइड में राफ्टिंग होती है यहाँ से, और ये भाई कितना बढ़िया था, छोटा सा ब्रिज है यहाँ पे, फोटोग्राफी के लिए तो मस्त है, एकदम बेस्ट है। तो क्या पसंद आया यहाँ पे रोकने के बाद आपको? भाई ये झंडे पसंद आए, ये झंडे पसंद आए इनको। हेलो टू द कैमरा, हेलो। यहाँ से जो व्यू आता है ना वहाँ की तरफ वो बहुत अच्छा आता है, और स्ट्रगल देखते हो ना पहाड़ी लोगों का, जो लोग कहते हैं ना ये पहाड़ बहुत अच्छा है, तो हमें लगता है सिर्फ, देखो भाई मैं एक चीज़ बता दूँ, जो
लोग कहते हैं ना कि पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनका स्ट्रगल अच्छा, देखो भाई उनके पास ना बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है, उन लोगों का बिजनेस क्या होता है, मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं ना उन लोगों का मैं लिटरली बहुत सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को लेकर, उन लोगों का बिजनेस क्या होता है ना, हम लोगों से होता है, टूरिज्म से बिजनेस होता है, कोई एक्सपोर्ट का काम नहीं होता उन लोगों के बाहर से, या फिर उनकी कोई शॉप्स होती है, रेस्टोरेंट होते हैं, बस यही उनका बिजनेस है, इसकी वजह से उनके काम चलते हैं। तो इसीलिए ना गाइस कभी भी ना माउंटेन्स पे आके तो जो जो बंदे होते हैं ना उनको ना सपोर्ट किया करो, सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया करो किसी भी चीज़ को लेके, कुछ भी उनके साथ स्कैम मत किया करो। तो भाई देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ ना लिटरली, देखो वो अंकल, देखो यहाँ से नहीं दिखा पाता हूँ, देखो वो आंटी जो है ना यहाँ से पूरा मतलब कपड़े धो रही हैं यहाँ पर, ठीक है, और इतना ठंडा पानी होगा ना मैं बता नहीं सकता अभी, मतलब आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतना ठंडा पानी होगा कि नॉर्मल इंसान अगर मैं अगर हाथ भी अपना पानी में जिप करता हूँ ना तो फ्रीज़ होने के चांसेस मेरे को तो लगता है कि पूरा हाथ फ्रीज़ हो जाएगा। तो जो लोग मतलब कहते हैं कि पहाड़ की लाइफ अच्छी है, तो भाई हम लोग घूमने के पर्पज़ से देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि चले गए 10 दिन बिता लिए, ठीक है, तो पहाड़ बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन भाई लिटरली बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनका स्ट्रगल कितना होता है ना ये नहीं बता सकते आप लोग, बिल्कुल बहुत स्ट्रगल होता है भाई, मैंने तो जो ज़िंदगी देखी है उनकी लाइफ जो देखी है, तो हमेशा जो है पहाड़ी जितने भी बंदे होते हैं जिनके होटल्स होते हैं वर्कर्स होते हैं उन लोगों को यार सपोर्ट किया करो, रिस्पेक्ट किया करो उनकी आके, पता है। तो बाकी देखो ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी में क्या ही रखा है, कब किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है, और मेरी तरह तो बिल्कुल एंजॉय किया करो। तो भाई अभी जो मनाली से जब आप कुल्लू की साइड जाते हो ना तो ये अच्छा सा ब्रिज पड़ता है जहाँ पे फ्लैग लगा रखे हैं, और मतलब हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग है, मेरे को तो नहीं पढ़ना आता। चलो भाई तो अभी यहाँ का शूट कर लिया, अभी चलते हैं आगे की तरफ, पता नहीं अनस्क्रिप्टेड ही है हर चीज़ इस ट्रिप में, तो अनस्क्रिप्टेड ही है, मनाली का प्लान नहीं था, कश्मीर का प्लान था, मनाली आकर रुक लिए, मतलब रोहतांग का प्लान था, वापस कुल्लू जा रहे हैं, कुल्लू का प्लान है, पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो भाई गाड़ी का स्टेयरिंग भाई के हाथ में है, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यही कि कहाँ जाना है वहाँ डाल दो गाड़ी, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, ठंड नहीं हो रही है बिल्कुल भी, दिसंबर वाला मौसम है जैसा मनाली में जो ठंड होती है ना, अभी गाड़ी भी गर्म हो गई ऑलरेडी, ऐसा लग रहा है एसी वाली नीड है, ठंड अब यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बची, AC, मतलब डीसी डीसी सब चाहिए, एसी बीसी डीसी, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ डीसी, डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए शरीर को, डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए शरीर को अपने गर्माहट दूर करने के लिए, कह रहा एसी बीसी डीसी, तो मैंने बोल दिया कि भाई मैंने क्या बोला, मैंने कोई गलत थोड़ी बोला, ये बोला ना मैंने क्या एसी चाहिए, तो कह रहा एसी बीसी डीसी सब चाहिए, तो मैंने बोला व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ डीसी, तो कह रहा पता नहीं, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट कनेक्शन दे दो, इंसान को ठंड लगने लग जाएगी या गर्मी लगने लग जाएगी, बस यही तो बात होगी। तो ठीक है यार चलते आगे की तरफ। तो भाई अभी हम लोग जो आ चुके हैं ना वो आ चुके हैं हॉट एयर बलून, मतलब यहीं से हॉट एयर बलून मतलब उड़ते हैं, तो अभी हम लोग ना इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भैया से कि यहाँ पे क्या चार्जेस रहता है और क्या चीज़ रहती है, ठीक है, तो अभी हम चलते हैं भैया की तरफ लेके, ठीक है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं ना मनाली से थोड़ा सा आगे कुल्लू वाले रास्ते में, और हॉट एयर बलून पे मतलब यहीं से ही आप जो है टेक अवे होता है, और कितने रुपए भैया चार्जेस रहता है अपना, ये 1500 एक आदमी का हॉट एयर बलून का रहता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है भैया का नंबर डाल दूंगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, यहाँ की लोकेट आप लोग देख सकते हैं, मनाली से कितना दूर पड़ता है भैया आपका, ये मनाली से अगर आप कुल्लू वाले रास्ते में आओगे ना, मनाली से अगर आप कुल्लू वाले रास्ते पे आते हो तो 10 किलोमीटर दूर जाके जो है वो भैया का ये एक पॉइंट पड़ेगा जिसका नाम है पॉइंट बॉल नाम है ना भैया इसका, मतलब हॉट एयर बलून की अगर आपको पूरी मतलब आसमान वाली राइड चाहिए भाई तो यहीं से आपको मिलेगी, और आप देख सकते हो यहाँ से जो अभी मतलब जो उड़ता है ना यहाँ पे फायर जलती है, पूरा भर जाता है ये यहाँ से, मतलब इसके अंदर लोग बैठते हैं, पूरा 1500 की राइड है, 1 पर्सन, सिलेंडर लगा रखे हैं LPG, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो और यहाँ पे एक गेम भी मतलब सारे आर्चरी वगैरह खेले जाते हैं, और बच्चों के लिए भी पॉइंट है बढ़िया एकदम बेहतरीन, और भाई जहाँ का जो व्यू है चाय वाय वाला पॉइंट, अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, तो ठीक है फिर बढ़िया है, हॉट एयर बैलून जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरा राइड करने के लिए। तो भाई अभी चलते आगे की तरफ, हॉट एयर बलून जो था अभी तो कोई उड़ भी नहीं रहा था, लोग यहाँ पे पैसे वैसे पता नहीं देते मेरे को भी, मैंने सोचा फ्री में देखने को मिल गया, मेरा तो ब्लॉग बन गया भाई, फ्री में देखने को मिल गया, उस बंदे को लगा मैं यूट्यूबर हूँ, इतना बड़ा तो यूट्यूबर नहीं हूँ। तो ठीक है यार आगे की तरफ चलते हैं, क्या देखो अभी हमारा भाई हमें कहाँ लेकर जा रहा है भाई, पता नहीं, चाय तो पिलवा दे, तो अभी चाय पियेंगे मस्त, मेरे को तो ना मतलब चाय वाली एक तलब लग रही है, पहाड़ पे आओ या बाहर घूमने आओ ना
तो अपनी चाय जरूर होना चाहिए यहाँ, बिना चाय की क्या जर्नी, चाय होना चाहिए। देख लो भाई मंडी जो है ना यहाँ से अभी 97 किलोमीटर दूर है, तो अभी सन्नाटे वाले रोड मिल रहे हैं, ज्यादातर लोग मुझे लग नहीं रहा कि कहीं घूमने घामने के लिए लोग आ रहे हैं अभी। पीछे मनाली में तो भाई बहुत भीड़ है, चलो तो आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई ने रोकी है अपनी हवा पड़वाने के लिए गाड़ी। चलिए भाई देखते हुए आइयो, जहाँ मिले बताती हूँ मुझे, मतलब भैया हवा हवा कर देना, हवा देख लेना, चेक कर देना। वैसे मेरे को तो लग नहीं रहा टायर में पे, हाँ थोड़ी थोड़ी कम लग रही है। कोई नगमा ना 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 ना, तो हवा पड़वा ली अभी चलते आगे की तरफ। नगमा की याद आ रही है क्या आपको? नगमा सॉन्ग है बाबा। अच्छा सॉन्ग है नगमा, मेरे को तो लगा कि नगमा की याद आ रही है भाई को। अब मेरे ख्याल से यहीं रोक लो और यहाँ पे जो है ना हम लोग चाय पियेंगे मस्त, धूप वाली धूप, जो धूप होती है ना वो एकदम मजेदार वाली चाय पियेंगे यहीं बैठ कर। भाई जो पहाड़ों वाली चाय का मजा है ना रुक कर, लिटरली बता रहा हूँ ना, वो कहीं नहीं है। और पता है ऐसा लग रहा है जैसे मई जून वापस आ गई हो, दिसंबर तो लग ही नहीं रहा यार, कसम से बहुत गर्मी है। ऐसे ना धूप पड़ रही है ना तो ऐसा लग रहा है मेरा जो फेस जो है ना पूरा जल चुका है, लिटरली बहुत तेज की धूप हो रही है, बहुत तेज की। मतलब बैठ गया ऐसे अभी अंदर जाके चाय पीना मेरे को। तो भाई यहाँ हो रही है पैराग्लाइडिंग, अभी मेरे को आप कैमरे में शायद व्यू नहीं दिखा पाता हूँ, ये दिख रहा है ना आपको? रुको एक। तो भाई अभी यहाँ पे पता है क्या, रोकी है गाड़ी यहाँ से, जितने भी जो मनाली वाला जो रास्ता है ना, ये जो वापस आ रही है गाड़ियाँ और ये कुल्लू वाला रास्ता जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को जो मिलेगा ना वो मिलेगी राफ्टिंग। और अभी मैं दिखा रहा हूँ यही पॉइंट है जहाँ से लोग तैयार होकर राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। अभी 3 बोट यहाँ पर आ चुकी है, मतलब 3 राफ्टिंग की बोट यहाँ पर है, और अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखो भाई सब राफ्टिंग के लिए पूरा तैयार हो रहे हैं, यहाँ से रवाना हो रहा है, रवाना कुछ एडवेंचर करने के लिए। बाय द वे मेरा इतना तो बजट है नहीं कि मैं यहाँ राफ्टिंग करूँ। देखो ये पूरा राफ्टिंग की बोट आ रही है यहाँ से, और ये वापस में लेके आए हैं यहाँ से, ये राफ्टिंग के लिए पूरे उधर साइड में जाएंगे। वो देखो ये लोग आ रहा है ना यहाँ पे, इस वाले पत्थर पे आके फिर अटक जाएंगे, मतलब वो एडवेंचर जो होता है ना वो। वो देखो ये देखो यहाँ से, तो भाई अभी आ चुका है अपना कुल्लू, देख लो भाई कितनी अच्छी, मुझे तो मनाली से ज्यादा अच्छा व्यू कुल्लू का लगता है भाई, देख लो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ का। देख लो भाई यहाँ होती है कैंपिंग, अभी हम लोग आ चुके हैं कैंपिंग में, मतलब कुल्लू से थोड़ा सा पहले ही है, यहाँ सब कैंपिंग होती है रिवर साइड वाला, और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का होटल का भाई, मज़ा आ गया। मतलब रेस्टोरेंट का जो व्यू है ना लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू। और सब मेरे पीछे जो देख रहा हूँ ना ये सब कैंपिंग होती है यहाँ पर, और भाई अपने को तो कैंपिंग करना होती है, कैंपिंग तो यहाँ पे भी की तो क्या फ़ायदा, यहाँ तो क्या नॉर्मल सा है, उन लोगों ने पूरा मतलब वो लगा रखा है और यहाँ रात में स्टे कर लो, बट ठंड तो लगेगी लगेगी। लेकिन रिवर साइड का जो यहाँ पे व्यू है ना, जैसे यहाँ पे अभी कुछ खाना वाना खाना है, और मतलब जो व्यू का जो मज़ा है ना यहाँ पे देखो वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और जो राफ्टिंग का जो एंड पॉइंट है ना भाई, वो मैं छोड़ के आया हूँ वहाँ पीछे, ठीक है, वहाँ गाड़ी मेरी सेडान नहीं जा सकती थी, मतलब जाती वो जो सामने रोड चल रहा है ना वो आगे से राइट वाइट लेना मतलब ब्रिज से जो बहुत मुश्किल पड़ता, तो इसलिए भाई एंड पॉइंट राफ्टिंग का जो है मैं वहाँ छोड़कर आ गया। लेकिन मुझे रास्ते में बहुत अच्छी सी चीज़ देखने को मिली यहाँ पर कैंपिंग, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ट्रिप के साथ, तो मुझे ऑलमोस्ट मज़ा आ चुका है, काफ़ी मज़ा नहीं मज़ा आ चुका है। और अपना ये कौन सा एरिया लगता है मनाली से कितनी दूर है? ये है आपका मनाली से 35 किलोमीटर, मतलब मनाली से रोहतांग वाली साइड में नहीं, मनाली से वापस जब कुल्लू की साइड में आओगे ना तो वहाँ पड़ता है ये, तो कैम्प भी देख लो भाई। मतलब कुल्लू से कितना दूर पड़ेगा भाई? कुल्लू से 4 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और भाई मैं दिखवा देता हूँ आपको कैम्प, ये देखो पूरा आपको एक बेहतरीन जो है यहाँ पे डस्टबिन मिल जाएगा, और पूरा बेहतरीन जो है वो एकदम से पूरा फील आ रहा है कैंपिंग वाला। अंदर वॉशरूम है, अंदर जो है वो इनसाइड वॉशरूम भी है। अच्छा रुको मैं शूज उतार के आता हूँ, ये
ये देखो भाई अपना यहाँ पे जो है वो वॉशरूम भी है। वाह क्या मस्त बना रखा है पूरा, क्या बात है। और आगे बेडिंग भी है, मतलब बेड सिस्टम भी, सिटिंग भी है, मतलब ये सिटिंग है बैठने वाला, और यहाँ पे लेट भी सकते हो वैसे तो मस्त। हाँ, मजा अलग ही है इसका। ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है, लंच नहीं होता है, लंच नहीं होता ना, क्योंकि लंच इसलिए नहीं होता है लोग घूमने वैसे चले जाते हैं, तो डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है ना, तो उसके चार्जेस क्या रहते हैं अपने? 2500 रुपए 1 पर्सन के लिए ना, कपल मतलब 2 पर्सन के लिए, अगर आप मेल फ्रेंड हो या दोनों फीमेल हो उससे कोई मैटर नहीं करता, 2 फ्रेंड के लिए 2500 रुपए। हाँ तो 2 फ्रेंड के लिए 2500 रुपए पर डे के हिसाब से। 10:30 तक जो है वो डीजे रहता है, मस्त पार्टी होती है पहाड़ों के बीच में भाई। तो मैं लिटरली व्यू दिखा रहा हूँ ना, ये देखो ये जो व्यू है ना ये, और उसके ऊपर जो पहाड़ है लिटरली भाई। और भाई का एक बार नाम क्या है? राजेश ठाकुर भाई का नाम है, और भाई की लोकेशन मैं यहाँ डाल लूंगा। और मेरे थ्रू कोई आता है अगर ट्रैवलिंग बॉस के थ्रू तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। तो देख लो भाई एक बार वो दिखाना बेड अपना, वेट कौन सा होता है, किंग साइज होता है नॉर्मल होता है, मतलब बेडिंग होता है वो, ठीक है। देख लो भाई यहाँ पे जो है डबल बेड मिलेगा, वहाँ पे एक फोल्डिंग पलंग मिलेगा, बीच में आपको जो है एक टेबल मिलेगी, आप अपना कुछ काम कर सकते हो, बाकी वही सेम चीज इनसाइड वॉशरूम मिलेगा इसके अंदर। मतलब चेकआउट टाइमिंग, चेकआउट टाइम सर 12 बजे की रहती है, और बाकी आप सुबह 7 बजे या 6 बजे तो मतलब टाइमिंग चेकआउट की 24 घंटे की नहीं सर, तो चेकआउट टाइमिंग 12 बजे की ही रहती है। हाँ जी, अगर कोई 5 बजे सुबह विजिट करता है तब भी उसके लिए सेम ही रहती है? सेम ही रहती है। ओके ठीक है। हाँ जी, तो प्राइस यहाँ पे निगोशिएबल है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख के और मेरा रिकमेंडेशन कोई आता है तो भाई यहाँ पे प्राइस जो है निगोशिएबल रहेगा, ठीक है भाई राजेश भाई, तो प्राइस निगोशिएबल रहेगा। ओके, डाइनिंग रूम भी देख लो भाई यहाँ पर, जहाँ बैठ कर खाना खाते हैं। अपने पास सब कुछ मिलेगा ना, नॉनवेज वगैरह सब? वेज नॉनवेज भी मिलेगा, सिटिंग आराम से, मतलब सब कुछ मिलेगा, बेस्ट है भाई। तो ठीक है राजेश भाई। ओके सर। तो भाई अभी हम लोगों ने कुल्लू भी क्रॉस कर दिया है और हम लोग आ गए हैं सिंगल वे पे, और जहाँ पे जो है भाई आगे से बहुत कंजेस्टेड एरिया, बहुत ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ जाके डेस्टिनेशन मिलेगा, एक नई जगह मिलेगी देखने के लिए। तो अभी तो आगे की तरफ चलते हैं, देख लो भाई कितना कंजेस्टेड एरिया, एक गाड़ी भी अगर ऐसे आती है तो उसको दबाना पड़ता है यहाँ से। और दोपहर का खाना भी अभी नहीं खाया है, चिकन बिरयानी खाने गए थे तो पता है बदले में मिला शाही पनीर। तो फेस का रिएक्शन देख चुके हो। और टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है इस टाइम पे 7:04, चिकन बिरयानी जो ढूंढ रहे थे वो ढूंढ रहे थे 3 बजे से। दोपहर का खाना स्किप हो गया, रास्ते में एक ढाबा मिला, मैंने कहा भाई यहीं कुछ खा लेते हैं, तो अभी जो है वेज खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? कौन सा? शाही पनीर है ना, कढ़ाई पनीर है? कढ़ाई पनीर है। भाई अपने भाई ने जो डायरेक्ट गाड़ी लेकर आया ना, वो लेकर आया शिमला में खाना खाने के बाद, डायरेक्ट जो गाड़ी उसने रो, मतलब अभी 7 किलोमीटर शिमला जो है वो रेड दूर है मेरे से। तो भाई अगला जो ब्लॉग होगा ना वो शिमला का आने वाला है, और ये ब्लॉग अगर पसंद आया ना तो चैनल को लाइक कर दो, मतलब सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। भाई अभी नींद में हूँ ना तो मुझसे तो नहीं बोला जा रहा। तो भाई अब जो आगे वाला ब्लॉग है ना वो शिमला का होने वाला है अपना।